बॉलीवुड जगत के मशहूर स्टार अभिनेता, निर्माता एवं निर्देशक आमिर खान का जन्म 14 मार्च 1965 को मुंबई में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहम्मद आमिर हुसैन खान है। उनके पिता ताहिर हुसैन एक फिल्म निर्माता हैं एवं माता जीनत हुसैन हैं। उनके कई रिश्तेदार फिल्मों से जुड़े हुए हैं। उनके अंकल नासिर हुसैन मशहूर निर्माता एवं निर्देशक हैं। आमिर मशहूर दार्शनिक एवं स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कलाम आजाद के भी रिश्तेदार हैं। उन्होंने अपने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई जेबी पतित स्कूल से किया और बाद में बांद्रा के सेंट एनिस स्कूल में 8वीं तक की पढ़ाई करके मुंबई स्कॉटिश स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई की। उन्हें पढ़ाई से ज्यादा खेलों में रुचि थी। उन्होंने टेनिस में स्टेट लेवल चैंपियनशिप के लिए खेला है। नरसी मुंजी कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने एक्टिंग का रास्ता अपनाया। उनके माता पिता को इस क्षेत्र में काफी उतार चढ़ाव का अनुभव था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि आमिर इस रास्ते को अपनाएं। पर आमिर ने अपने मन की सुनी और 16 वर्ष की उम्र में ही अपने स्कूल के दोस्त आदित्य भट्टाचार्य के निर्देशन में बनी 40 मिनट की एक मूक फिल्म पैरानोला में लीड रोल में काम किया। साथ ही साथ वो इस फिल्म में भट्टाचार्य के सहायक भी बने। उन्हें ये काम बहुत अच्छा लगा और फिल्म में ही अपनी करियर बनाने की उन्हें प्रेरणा मिली। उसके बाद वो अवंतर नामक थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए और कुछ गुजराती, हिंदी एवं अंग्रेजी नाटकों में काम किया। वहां से उन्होंने निर्माता एवं निर्देशक नासिर हुसैन को मंजिल मंजिल और जबरदस्त फिल्मों को बनाने में सहायक के रूप में काम किया। करियर। चॉकलेट हीरो के नाम से मशहूर आमिर ने अपने एक्टिंग की करियर की शुरुआत बचपन में ही फिल्म यादों की बारात से किया था। 70 के दशक की ये हिट फिल्म उनके अंकल नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित एवं निर्मित की गई थी। 10 साल बाद फिल्म मदहोश में काम किया। एक पेशेवर अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म होली थी, पर इस फिल्म में आमिर की ओर लोगों का ध्यान नहीं गया। 1988 में मंसूर खान की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म कयामत से कयामत तक में उन्हें पहली कामयाबी मिली। इस फिल्म के लिए उन्हें कई अवार्ड्स मिले और वो एक प्रॉमिसिंग स्टार बन गए। इसके बाद 80 और 90 के दशक में उन्होंने दिल, जो जीता वही सिकंदर, दिल है कि मानता नहीं, रंगीला, हम है राही प्यार के, राजा हिंदुस्तानी, इश्क, गुलाम, सरफरोश जैसे फिल्मों में काम किया। वो फिल्म हम है राही प्यार के स्क्रीन राइटर थे। नब्बे के दशक के बाद वो फिल्मों में आने लगे, पर उनकी हर फिल्म सुपरहिट एवं बड़ी कमाई करने वाली बनी। लगान, दिल चाहता है, फना, रंग दे बसंती, मंगल पांडे, गजनी, थ्री इडियट्स, पीके, धूम 3 आदि हिट फिल्मों में काम किया। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया एकेडमी अवार्ड के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए नॉमिनेट होने वाली तीसरी भारतीय फिल्म है। फिल्म लगान के बाद आमिर ने 4 साल के लिए एक्टिंग से ब्रेक लिया। 2007 में उन्होंने फिल्म तारे जमीन पर का निर्माण एवं निर्देशन किया और उसमें एक्टिंग भी की, जो काफी हिट रही। फिल्म गुलाम में गाना भी गाया है। 2001 में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी आमिर खान प्रोडक्शंस की स्थापना की और उनकी पहली निर्मित फिल्म लगान थी। फिल्मों के अलावा उनकी टेलीविजन शो सत्यमेव जयते ने काफी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं को बटोरा। इस शो में विभिन्न सामाजिक पहलुओं के समस्याओं के कारण एवं उनके हल की चर्चा होती थी। इस शो के लिए आमिर ने काफी रिसर्च किया। वो नर्मदा बचाओ आंदोलन कमेटी तथा अन्ना हजारे के जन लोकपाल बिल आंदोलन से जुड़े। अपने काम के मामले में काफी सजग एवं फोकस्ड रहने के कारण उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। निजी जिंदगी। आमिर खान ने 2 शादियां की। पहली पत्नी रीना दत्ता फिल्म कयामत से कयामत तक में एक गाने में नजर आती हैं।
रीना से आमिर की एक बेटी ईरा और एक बेटे जुनैद हैं। 2002 में आमिर और रीना का तलाक हो गया और 2005 में आमिर ने लगान की असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव से शादी कर ली। उन दोनों के बेटे का नाम आजाद राव खान है। अवार्ड्स। आमिर खान को अपने अब तक के करियर में कई अवार्ड्स मिले। फिल्म कयामत से कयामत तक, लगान और तारे जमीन पर को नेशनल फिल्म अवार्ड्स एवं फिल्म फेयर अवार्ड्स प्राप्त हुए। इनके अलावा राजा हिंदुस्तानी और रंग दे बसंती को भी फिल्म फेयर अवार्ड मिले। कई फिल्मों में इनके काम के लिए अवार्ड्स हासिल हुए हैं। 2003 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री एवं 2010 में पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित किए गए। आमिर किसी भी भारतीय फिल्म अवार्ड फंक्शन एवं अवार्डों से दूर रहते हैं। आमिर क्वांटिटी की अपेक्षा क्वालिटी में विश्वास करते हैं। अपने आत्मविश्वास के साथ फिल्मों में आकर कड़ी मेहनत से सुपरस्टार की श्रेणी में दर्ज हो गए।